दोस्तों मेरे पास है आईफोन 15 128GB ब्लू, आप इधर देख सकते हो। इसका जो बैक सबसे दो कैमरा दिया गया, एक कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल और एक कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल है, आपको इधर देख सकते हैं। हम इधर आज कंप्लीट आपको कैमरा रिव्यू करके दिखाएंगे, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी भी फेस कर रहे आईफोन 15s में, चलिए जान लेते हैं। आपको वीडियो पूरा देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहला जो हम निकालेंगे तो वाइड एंगल कैमरा शॉट निकालेंगे। आप इधर देख सकते हो कि कैमरा में आपको मैं वाइड एंगल कैमरा शॉट निकाल के दिखा सकता हूँ। अभी इधर मैं वाइड एंगल कैमरा सेलेक्ट किया, अभी फोटो क्लिक किया, बाद में आपको नॉर्मल फोटो क्लिक किया, बाद में आपको जूम 2x जूम क्लिक किया। आप इधर देख सकते हो कि इसमें क्लैरिटी कौन सा, इधर देख सकते हो वाइड एंगल फोटो है, आप इधर देख सकते हो ये आपको नॉर्मल फोटो है, आप इधर देख सकते हो कि कुछ क्लैरिटी अलग है, आपको बाद में 2x जूम का क्लैरिटी भी अलग आ रहा है। बाद में देख सकते हो कि पोर्ट्रेट में आपको नॉर्मल शॉट आप देख सकते हो कि नॉर्मल शॉट में आपको फोटो निकाल के आप इधर दिखा सकते हो। बाद में सेलेक्ट किया मैं स्टूडियो लाइट, इसमें जो स्टूडियो लाइट सेलेक्ट कर देता हूँ, स्टूडियो लाइट सेलेक्ट करके बाद आपको फोटो लेके देख सकते हो कि इधर देख सकते हो। मैंने बहुत सारे सेलेक्ट किया बट इस स्टूडियो लाइट में आपको देख सकते हो कि कैसे आएगा आउटडोर में। अब देख सकते हो नॉर्मल फोटोग्राफी है, नॉर्मल फोटोग्राफी पोर्ट्रेट आप इधर देख सकते हो, स्टूडियो लाइट है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। और आप इधर देख सकते हो इसका जो वीडियो चेक कर देता हूँ, वीडियो आप मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि 4K वीडियो 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब इधर देख सकते हो कि 60fps में आपको इधर देख सकते हो कंप्लीट आपको दो स्मूथनेस जो है काफ़ी कमाल का है दोस्तों। अब इधर देख सकते हो कि और इसमें जो लैग फ्री परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा आपको, इसमें देख सकते हो कि वीडियो जो है आपको काफ़ी आपको कंप्लीट आपको स्मूथनेस आ रहा है। आप इधर देख सकते हो मैंने इसको जो वीडियो निकाला हुआ है वही वीडियो है, आपको देख सकते हो कितना स्मूथ है और कितना आपको परफॉर्मेंस लैग फ्री परफॉर्मेंस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो स्टेबलाइजेशन का मैंने इसमें एक्शन मोड भी चेक किया, एक्शन मोड आपको देख सकते हो कि मेरा वीडियो के कैमरा कितना आपको शेक हो रहा है। आप इधर देख सकते हो कि कंप्लीट आपको तो फ़ोन भी शेक हो रहा है। आप इधर देख सकते हो जो वीडियो आपको जो वीडियो प्ले हो रहा है आपको एक्शन मोड में वही वीडियो है दोस्तों, आपके देख सकते हो कि ज़रा भी शेकी वीडियो नहीं है, ज़रा भी ब्लर वीडियो नहीं। और इसमें स्लो मोशन वीडियो भी ट्राई किया हूँ, इसमें स्लो मोशन वीडियो 250fps तक आपको इसमें मैक्सिमम वीडियो कैपेसिटी। आप इधर देख सकते हो ये मेन वीडियो है, आपको स्लो मोशन में आपको इधर देख सकते हो कि कितना आपको 245fps तक आपको मिल जाएगा। आपको सैमसंग में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, 960fps तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बट इसमें सिर्फ 240fps तक मिल जाती है। इसको कंपेयर किया तो सैमसंग S24 Ultra, S23 Ultra जो भी है आपको सीरीज जो है काफ़ी उसमें कमाल के फोन्स में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। दोस्तों ये आईफोन 15 में सिनेमैटिक मोड भी हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है, आप देख सकते हो कि सिनेमैटिक मोड इसमें मैक्सिमम मिल जाएगा आपको 30fps तक आपको मिल जाएगा। 4K वीडियो इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड जैसे आपको तो पोर्ट्रेट पे फोटोज खींचते हैं जैसे आपको सेम आपको वीडियोस में आपको अप्लाई होता है कि सिनेमैटिक मोड आपको वीडियोस आपको शॉर्ट्स ले सकते हो ऐसा मूवी शूट करने के जैसे। आप इधर देख सकते हो कि मैंने शूट कर लिया है, आप इधर देख सकते हो कि मेन वीडियो है, आप इधर देख सकते क्लैरिटी जो है आपको जो ब्लरनेस जो है आपको बैकग्राउंड जो क्लैरिटी और बैकग्राउंड जो ब्लर रहे से काफी कमाल का दोस्त। और इसमें जो शॉर्ट मूवी भी ट्राई कर सकते कि वीडियो शूट में आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।